इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। इंदौर में लंबे समय से न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों की संख्या कम करने के उद्देश्य से एक बार फिर नेशनल लोक अदालत का आयोजन शनिवार को हुआ। वहीं आज इस लोक अदालत में हजारों की संख्या में प्रकरण समझौते के लिए रखे गए, जिसमें न्यायालयों में लंबित प्रकरण के साथ ही प्री लिटिगेशन के प्रकरण भी रहे। दरअसल आज आयोजित हुई लोक अदालत को लेकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बताया कि इस लोक अदालत में लंबित प्रकरणों में आपराधिक, चेक बाउंस क्लेम, बिजली बकाया, श्रम मामले, बैंक रिकवरी, पारिवारिक मामले, सिविल और प्री लिटिगेशन के मामले रखे गए। इस लोक अदालत के माध्यम से उम्मीद जताई जा रही है कि इसमें कई प्रकरणों का निराकरण होगा और अदालत का समय बचेगा। साथ ही लोग भी आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान होने से बचेंगे, क्योंकि लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण होने से कोर्ट फीस की जाती है। इस बार जैसा कि मैंने आपको बताया, लगभग 25,000 केसेस रखे गए हैं, पिछली लोक अदालत से भी ज़्यादा हैं। हालांकि बारिश की वजह से, निरंतर बारिश 2 दिन से जो हो रही है, उसकी वजह से हम लोग बाहर उतने टेंट नहीं लगा पाए, पर फिर भी गैलरियों में उसमें समस्त आयोजन किए गए हैं। हमारी तरफ से सभी प्रयास किए गए हैं कि इस लोक अदालत में अच्छी संख्या में केसेस का निराकरण होगा। थैंक यू। We'll be right back.